सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फ्लूइड प्रेशर। इसको समझने के लिए आइए एक हम रियलिस्टिक सिचुएशन लेते हैं। सपोज वी हैव अ कंटेनर एंड से वी हैव अ लिक्विड इन इट। यहाँ मान लीजिए कहीं भी रैंडम जगह पर एक हम लिक्विड मॉलिक्यूल ले लेते हैं और उसको एक्सपेंड करके दिखाते हैं कि फ्लूइड प्रेशर कैसे लगता है। तो हमने एक एक्स मॉलिक्यूल लिया, एटम लिया, कोई भी छोटा सा पोर्शन लिया लिक्विड का ऐसा, और ऑब्वियसली ये घिरा हुआ होगा बिल्कुल सिमिलर मॉलिक्यूल से। ये सर नो ऐसे ये सिमिलर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। अभी होता क्या है कि जितने भी ये ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं, इस एक्स के जो ऊपर हैं, ऊपर वाले पोर्शन में मॉलिक्यूल्स जो हमें यहाँ दिखाए हुए, सपोज ये जो हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, सपोज ऐसे ये वाले तीन ये ऊपर हैं, ये ऊपर के वजन की वजह से, जो ऊपर का लिक्विड है ना, उसकी वजह से इस हमारे इंटरेस्ट इस मॉलिक्यूल जिस पर हमारा मेन इंटरेस्ट है एक्स मॉलिक्यूल, इस पर फोर्स लगाते हैं अंदर की तरफ। लगाते हैं ना, ये देखो अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो ये रिएक्ट भी तो करेगा, ये रिएक्ट भी तो करेगा इनकी तरफ, ऐसा ना। तो ये ऊपर के जो तीन मॉलिक्यूल मैंने अंदाजन लिए हैं, ये इस एक्स मॉलिक्यूल को कंप्रेस कर रहे हैं। सो क्या कह सकते हैं, दी अबव मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल एक्स, मॉलिक्यूल एक्स एंड द मॉलिक्यूल एक्स ऑल्सो अप्लाइज फोर्स ऑन दीज मॉलिक्यूल्स इन अ फॉर्म ऑफ रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। वेरी सिंपल, आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट प्रिटी वेल, है कि नहीं। जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्स मॉलिक्यूल को अंदर पुश कर रहे हैं क्योंकि टच कर रहे हैं। भाई टच करोगे तो रिएक्शन फोर्स तो आएगा। आपने कितनी बार तो FVD बनाया है ना, हम कोई ब्लॉक रखते हैं तो क्या करते हैं, ये एक फोर्स लग रहा होता है, ये एक फोर्स लग रहा होता है ना। तो वही तो मैं कर रहा हूँ। अब इसमें रिएक्शन एक्शन रिएक्शन कौन है, MG और R रिएक्शन रिएक्शन तो है नहीं इसमें। हमें एक्शन रिएक्शन कौन है, एक तो सरफेस का ब्लॉक के ऊपर है ना, और सरफेस का ब्लॉक के ऊपर। तो ब्लॉक बना लें पहले, ठीक है। तो सरफेस का ब्लॉक के ऊपर एंड सरफेस पे ब्लॉक के द्वारा, तो ये है एक्शन रिएक्शन। तो ये जो पॉइंट है सेम हुए ना, यहाँ पर एक्शन रिएक्शन होगा। सिमिलरली जहाँ पे टच हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, ध्यान रखना MG और R एक्शन रिएक्शन नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ उसको। MG धरती द्वारा लगाया हुआ फोर्स है, ओके। एनीवेज यहाँ जो कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पे एक्शन रिएक्शन हो रहा है। सिमिलरली ये हमारा जो एक्स मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं, उस पर ये तीन मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं, तो ये रिएक्ट भी कर रहा होगा। सिमिलरली अब ये जो एक्स मॉलिक्यूल है, इन नीचे के मॉलिक्यूल्स पर, एटम्स पे जो लेना चाहें आप, भी तो फोर्स लगा रहा होगा, यस और नो। अब हम इस तरह से क्यों बोल रहे हैं कि ये एक्स लगा रहा होगा, कोई एक्स ऊपर है तो ये बेहतर होगा कहना कि ऊपर वाला मॉलिक्यूल लगा रहा होगा। सिमिलरली जब ये एक्स मॉलिक्यूल इन तीन नीचे वाले मॉलिक्यूल पर फोर्स लगा रहा था, तो तीन नीचे वाले भी तो रिएक्ट करेंगे, करेंगे ना। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इस एक्स मॉलिक्यूल का, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर बनाते क्या है, हम फ्री बॉडी डायग्राम में एक ही चीज बनाते हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी नॉट बाय द बॉडी। सो वी गोइंग टू मेक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट विल बी सिक्स फोर्सेस, 1 2 3 4 5 6, दो है ना, दो बन गए, 3 4 5 और 6। तो एक तरह से क्या हुआ, द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस कंप्रेशन
The molecule experiences compression due to the inward forces by surrounding molecules. And this force per unit area is called फ्लूइड प्रेशर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है हमारे कि फ्लूइड प्रेशर जो है वो हमेशा कंप्रेसिव इन नेचर। और ये एक बहुत बड़ा नॉर्मली और कंप्रेसिव होगा, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है स्ट्रेस और प्रेशर में, दैट हम लिख सकते हैं नोट करके, स्ट्रेस कैन बी टेंसाइल एंड कंप्रेसिव बोथ, पर प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव ही होता है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक कंप्रेशन सा महसूस करते हैं, एंड दैट कंप्रेशन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर। नाउ आगे भी हम ये देख सकते हैं, इसमें हमने अपना एक सिंगल मॉलिक्यूल लिया था और वो बाकी मॉलिक्यूल से घिरा हुआ था, है ना, इस तरीके से। मैं और बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएं चीज़ें। ये देखिए, ओके, सो ये हमारा एक्स मॉलिक्यूल था। नोटिस करें कि ये मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे फोर्स एक्स इस पर लग रहा है, अंदर भी और बाहर भी एक फोर्स ये लगा रहा है, और एज अ रिएक्शन इस पर लग भी रहा है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ऊपर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस पर लगाते हैं तो ये एज अ रिएक्शन लगाता है उन मॉलिक्यूल्स पे, और नीचे के मॉलिक्यूल्स पे ये लगा रहा होता है तो नीचे के मॉलिक्यूल्स इसको रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। तो ओवरऑल ये जो हमारा अंदर का जो एक्स मॉलिक्यूल है, इट एक्सपीरियंसेस द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। हाउएवर प्रेशर बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी एड्स अप, ये ऐड होता है प्रेशर, हमेशा प्रेशर जीरो नहीं होता, एड्स अप, एंड हेंस अ नेट प्रेशर इज एक्सपीरियंस्ड बाय मॉलिक्यूल एक्स, मॉलिक्यूल या एटम एक्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है सामने आती है कि आगे भी तो मामला चल रहा है ना, कैसे होने जैसे यही है। तो इसने इसको लगाया, फिर मान लीजिए ये आ गया एक मॉलिक्यूल और चलता चला जा रहा है, ओके, ये आ गया मॉलिक्यूल। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये इस पर लगाएगा, ये इस पर लगाएगा, तो ये एक तरीके का प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बिल्कुल, जो अगर हम कहें कि ऊपर भी मॉलिक्यूल्स होंगे बिल्कुल सतह तक, मान लो सतह ये है, वहाँ से जैसे जैसे ग्रेविटी लग रही है वेट की वजह से, एक एक मॉलिक्यूल एक दूसरे पर फोर्स लगाता चला जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या हो रहा है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रेड एरोज, जो फोर्सेज हैं, व्हाट डू दे शो, द कंटिन्यूस एक्शन ऑफ फोर्सेज ऑन ईच अदर, एक्शन या रिएक्शन, फोर्सेज वी सी बिटवीन मॉलिक्यूल्स या अमंग मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, या एज अ प्रोसेस ऑफ, कॉल्ड भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, है ना, कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, होता रहता है। तो जब तक मॉलिक्यूल्स हैं बर्तन में सब पर पहुंचेगा, बिकॉज ऑल आर इन कॉन्टैक्ट, इट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, विच इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर,
विथ ईच अदर, ये जुदा नहीं होते हैं। और ये कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी जो होती है कि मॉलिक्यूल्स हमेशा कॉन्टैक्ट में रहते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंटिनम, कि लिक्विड्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, बीच में आप तलवार से नहीं काट सकते हो, चाकू से काट नहीं सकते। दिस कंटिन्यूस अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कंटिन्यूस अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूम, प्रॉपर्टी ऑफ CONTINNUM, कंटिन्यूम, जिसकी वजह सारे मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे पर फोर्स सेंड करते रहते हैं, और ये कह सकते हैं कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर की प्रॉपर डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, और उसमें ये बात भी सामने आ जाएगी कि डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ से बजाय हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं जो भी हमने आपको समझाया, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, उसको हम एक परिभाषा में लिख लेते हैं कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड अप्लाइड ऑन अ फ्लूइड बॉडी, अ फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम जो ऊपर है, ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ फ्लूइड बॉडी इट डेवलप्स एन इंटरनली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर। देखा, फोर्स की वजह से इंटरनली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर, और कारण क्या है कि सब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कारण क्या है सबका, कॉन्टैक्ट में होना। प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट पर ऑफ द फ्लूइड बॉडी, दिस प्रेशर इंटरनली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द फ्लूइड बॉडी, उसकी बात चली, दिस प्रेशर इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर। ओके, दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। इतनी देर से मैं जो समझा रहा था वो यही था। खैर आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स राइट टू थ्री पॉइंट्स, वॉट एवर वी स्टडेड उनको फॉर्म में लिख लेते हैं। पहला तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी कम फ्रॉम ब्लड प्रेशर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पहला लिख लेते हैं, इट एक्ट्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड बॉडी, ऑफ फ्लूइड बॉडी एट ऑल पॉइंट्स। दूसरा, एट वन पॉइंट इन द फ्लूइड बॉडी एक सिंगल पॉइंट पर, एट वन पॉइंट मतलब किसी भी एक केंद्र बिंदु, आप बिंदु को चुना चुन लीजिए, इन द फ्लूइड बॉडी द फ्लूइड प्रेशर, ये बात फ्लूइड प्रेशर की चल रही, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फ्लूइड प्रेशर, क्या, इट एक्ट्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड बॉडी, एट वन पॉइंट इन द फ्लूइड बॉडी द फ्लूइड प्रेशर एट वन पॉइंट इन द फ्लूइड बॉडी द फ्लूइड प्रेशर एक्ट्स, हाँ एक्ट्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस। थर्ड पॉइंट, ए फ्लूइड इज इन कॉन्टैक्ट विथ एनी सॉलिड सरफेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉलिड सरफेस फ्लूइड प्रेशर विल ऑलवेज बी नॉर्मल इन डायरेक्शन टू द सरफेस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने फ्लूइड प्रेशर के बारे में
जोड़ के लिख दी हैं, इट एक्ट्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड बॉडी, किसी एक पॉइंट पर द फ्लूइड प्रेशर एक्ट्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस, इफ फ्लूइड इज इन कॉन्टैक्ट विथ एनी सॉलिड सरफेस फ्लूइड प्रेशर विल ऑलवेज बी नॉर्मल इन डायरेक्शन टू द सरफेस।